तो अभी हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं, हल्का इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं, इसको जूम करता हूँ, सॉरी इसको हम लोग जूम करते हैं। देखो जो सबसे पहले मीडियल लेक्टस है, मीडियल लेक्टस है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? एडिक्शन। एडिक्शन मतलब पास में, एडिक्शन मतलब दिस इज एडिक्शन, ये इसका प्राइमरी एक्शन है। मतलब कैसा कि अगर अगर ये वाला ऐसा खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियल तो ये होगा एडिक्शन होगा यहाँ पे। अब जो लेटरल लेक्टस है, लेटरल लेक्टस का एक ही काम होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी टर्शरी इसका फंक्शन नहीं है। ये लेटरली जाएगी, ये आई बॉल को लेटरल पुश करेगा। अगर ये कॉन्टैक्ट करेगी मसल तो ये लेटरली इसको पुश करेगा आई बॉल को। उसके बाद अपना ये सुपीरियर रेक्टस, सपोज सुपीरियर रेक्टस हम लोग देखते हैं। सुपीरियर रेक्टस क्या कराता है, मैंने बताया इलिवेशन कराता है, प्लस क्या कराता है, दूसरा इसका क्या होता है, इंटोर्जन। और टर्शरी एक्शन क्या है इसका, एडिक्शन। तो प्राइमरी एक्शन सुपीरियर रेक्टस का इलिवेशन, सेकेंडरी है इंटोर्जन और टर्शरी है एडिक्शन। तो हम लोग कैसे इसको हम लोग देखते हैं, इसके लिए अपने को एक देखना पड़ेगा एक्सिस ऑफ आई बॉल। तो इसके दो एक्सिस हैं, ए है एक्सिस का मतलब बीच से, तो ये यहाँ पे एक्सिस ऑफ ऑर्बिट और एक क्या एक्सिस ऑफ आई बॉल हो गया और ए एक्सिस ऑफ ऑर्बिट हो गया। अब सपोज क्या हो गया, सपोज यहाँ से ऑप्टिक नर्व पास कर रहा है तो यहाँ पे होगा कुछ कॉमन टेंडनस रिंग। अब मैंने बताया था कॉमन टेंडनस रिंग से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, रेक्टस मसल। तो सपोज ये सुपीरियरली जा रहा है तो यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस मसल ओरिजिनेट होगी। अब क्या होगा, ये सुपीरियर रेक्टस मसल है नीली वाली, तो ये सुपीरियर रेक्टस मसल हो गई कॉमन टेंडनस से, ये इसका ओरिजिन है यहाँ से और ये जा रही है आई बॉल में। तो क्या होगा, जब ये कॉन्टेक्ट करेगा सुपीरियर रेक्टस, तो इसको आई बॉल को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। तो मतलब क्या करेगा, इसका क्या करेगा अपवर्ड मूवमेंट आई बॉल का कराएगा। प्लस क्या कराएगा, और अगर ये सपोज ये अगर इसे ज़्यादा खींचेगा तो क्या होगा, इसका इंटोर्जन भी होगा और थोड़ा सा इंटोर्जन सेकेंडरी एक्शन हो गया। और अगर थोड़ा सा खींचेगा तो ये लेटरली पुश करेगा इसको, तो इसका ये हो गया कौन सा, इसका हो गया, ये हो गया इसका एडिक्शन, ये एडिक्शन भी कराएगा इसका टर्शियरी एक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो इन्फीरियर ऑब्लिक है, देखो इन्फीरियर ऑब्लिक क्या क्या कराएगा, इलिवेशन कराएगा, पर प्राइमरी एक्शन इसका क्या है, एक्सटॉर्जन है, और टर्शियरी एक्शन क्या है, एबडक्शन है। सुपीरियर ऑब्लिक का प्राइमरी एक्शन कौन सा होता है, इंटॉर्जन, फिर सेकेंडरी डिप्रेशन, और टर्शियरी क्या होता है, एबडक्शन। तो ये अपने को अच्छे से याद रखने का है, ये अपने को अच्छे से याद रखने का है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो देखो ये आगे एक और डायग्राम बताया उसको बता देता हूँ। तो देखो ये क्या सुपीरियर रेक्टस क्या करा रहा है, सुपीरियर रेक्टस क्या कराएगा, थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट कराएगा और मीडियली मतलब एडिक्शन कराएगा। इन्फीरियर रेक्टस क्या कराएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट और मीडियली। और लेटरल लेक्टस क्या कराता है, लेटरली इसको कर, एक ही एक्शन होता है। और मीडियल लेक्टस का भी एक ही एक्शन, मीडियली इसका एडिक्शन कराएगा और ये एबडक्शन कराएगा। इन्फीरियर ऑब्लिक क्या कराएगा, लेटरली और अपवर्ड मूवमेंट, और सुपीरियर ऑब्लिक लेटरली एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये अपने को भूलना नहीं है। अब एक अगर बात आते हैं आई ट्रांसप्लांट पे, तो पता है आई ट्रांसप्लांट जो होती है उसमें हम लोग आई का कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, आई ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। तो जो आई हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, कौन सा आई ट्रांसप्लांट करते हैं, कौन सा पार्ट, कॉर्निया। तो आई ट्रांसप्लांट में पूरी आई बॉल ही पूरा निकाल के नहीं डाल दिया जाता, आई ट्रांसप्लांट में सिर्फ हम लोग कॉर्निया का ही पार्ट जो होता है वो ट्रांसप्लांट करते हैं। ये अपने को ध्यान रखने का है, आई ट्रांसप्लांट में कॉर्निया का पार्ट हम लोग सिर्फ कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट करते हैं आई ट्रांसप्लांट में। उसके बाद ये मैंने बता दिया, ये अपने को ध्यान रखना। तो ये अपना सेकेंड वीडियो हो गया, छोटा सा इसमें फंक्शन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अपना रेटिना लेयर और ऑप्टिक डिस्क थोड़ा सा देखेंगे।